गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अकबर द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे। मुगल डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पीछे हम लोग बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। अकबर ही वॉज जस्ट 16 व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं। हुमायूं की डेथ होती है 1556 के जनवरी में, और उस दौरान सूर डायनेस्टी जो थी उसका डिक्लाइन हो चुका है। उसमें सुल्तान आदिल शाह जो थे उनका प्राइम मिनिस्टर हेमू, ही वॉज इन ग्वालियर। वो जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है, हेमू ग्वालियर से कूच करते हैं दिल्ली, और दिल्ली कैप्चर कर लेते हैं विदाउट एनी सीरियस रेजिस्टेंस। और दिल्ली में थ्रोन कैप्चर करके वो अपना कोरोनेशन करवाते हैं और टाइटल लेते हैं हेमू विक्रमादित्य और हेमू विक्रमजीत। हेमू वॉज द फर्स्ट एंड ओनली हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली इन द मिडिवल हिस्ट्री। लेकिन अकबर जो है ही वॉज इन कालानौर। वो कालानौर में थे पंजाब में, और बैरम खां कालानौर में उनका कोरोनेशन करवा देते हैं। तो 14th फरवरी 1556 को कालानौर में अकबर का कोरोनेशन हो जाता है। बैरम खां को खबर मिलती है कि हेमू ने दिल्ली कैप्चर कर लिया और अब वो वहां के राजा बन गए। ये अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं और 5th नवंबर 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की सेकेंड बैटल होगी, और उसमें अकबर डिफीटेड हेमू। तो अकबर ने हिंदुस्तान का थ्रोन रीगेन कर लिया बाय डिफीटिंग हेमू। हेमू की डिफीट हो गई। अब अकबर का रेन स्टार्ट होता है इंडिया में प्रॉपरली, और क्योंकि अभी वो सिर्फ 14 साल की उम्र में, ही वॉज अ माइनर, तो बैरम खां उनके रीजेंट थे, उनके गार्जियन की तरह थे। तो शुरुआत के 4 साल जो हैं वो पूरी तरह से बैरम खां डोमिनेट करते हैं। बैरम खां वॉज द वकील सल्तनत। उनके पास ये वकील सल्तनत का टाइटल था, जैसे दिल्ली सल्तनत में नायब सुल्तान होता था वैसे ही यहां पर मुगल सल्तनत में वकील होता था। तो वो अकबर का गार्जियन थे। लेकिन 1560 में अकबर अब 18 ईयर्स के हो गए हैं, वो माइनर वाले एज ग्रुप पीछे छूट गया है। फिर थोड़ा बैरम खां के आर्बिट्ररी मेथड्स थे। ही वॉज अ क्वाइट एरोगेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो शिया भी थे, बाकी सारे के सारे नोबल सुन्नी थे, तो इस वजह से उनमें आपस में कई डिफरेंसेस थे। और 1560 में अकबर उनको ऑर्डर करते हैं कि आप हज के लिए मक्का चले जाइए। तो बैरम खां जो है वो मक्का जा रहे हैं, और 1560 में पट्टन, ये गुजरात में है, पट्टन में बैरम खां का मर्डर हो जाता है। एक पठान उनका मर्डर कर देता है, और अकबर जो है वो आगरा से पट्टन पहुंचेंगे। वो उनकी विडो क्वीन सुल्तान सलीमा बेगम जो है उनको लेकर के आते हैं और उनसे निकाह कर लेते हैं, और अकबर हुमायूं बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को अपने बेटे की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद अकबर ने सोचा था कि उनका राज शुरू होगा, लेकिन हरम पार्टी बन गई थी। हरम पार्टी वो होती है जो द गवर्नमेंट विच इज लेड बाय वेमेन। और अब परिवार के लोगों को लगा था कि बैरम खां हट गए तो अब हमारे कंट्रोल में अकबर आ जाएंगे। 1562 हरम पार्टी गवर्नमेंट चलेगी। हरम महल का सबसे अंदरूनी भाग होता है, महिलाएं वहां रहा करती थी, और इसमें महामंगा है जो अकबर की स्टेप मदर थी, उनके बेटे हैं आदम खान, और कुछ और नोबल्स भी थे। तो अकबर की ये 2 साल, फिर 4 साल पहले बैरम खां और 2 साल हरम पार्टी गवर्नमेंट। अकबर के अर्ली रिफॉर्म्स को अगर हम लोग देखेंगे इसके अलावा, तो 1562 में अकबर ने सबसे पहले ही गेव अप द प्रैक्टिस ऑफ एनस्लेविंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड देयर फोर्सिबल कन्वर्जन। पहले जो भी लड़ाई में जिसकी डिफीट होती थी, जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उन सबको गुलाम बना लेते थे, और फोर्सिबली वो अगर दूसरे रिलीजन के होते थे तो उनको इस्लाम कबूल करवाते थे। अकबर ने 1562 में ये प्रैक्टिस जो थी उसको खत्म कर दिया, नंबर वन। 1562 में ही
he got rid of the Haram Party government. Haram Party government 1562 में आदम खान को मरवा देते हैं अकबर, और उसके बाद उनकी चालीसे के दिन महामंगा जो उनकी स्टेप मदर थी वो उनकी भी डेथ हो जाती है, तो हरम पार्टी से भी छुटकारा मिल जाता है अकबर को। 1563 में अकबर एबॉलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स, ये सिकंदर लोदी ने टैक्स लगाया था, उस टैक्स को हटा देते हैं, और इसके अलावा 1564 में अकबर ने जजिया को भी एबॉलिश कर दिया। तो अकबर की जो अर्ली रिफॉर्म्स हैं वो ये शो करते हैं कि अकबर वॉज अ क्वाइट लिबरल काइंड ऑफ अ रूलर। इसके अलावा अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में भी हम लोग यहीं पर ही देख लेंगे। रिलीजियस पॉलिसी में अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को कहते थे सुलह ए कुल और यूनिवर्सल पीस। अकबर का मानना था कि किसी को भी दूसरे के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। अकबर और धर्मों के बारे में भी जानना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना वो जगह थी जहां पर अकबर और धर्मों के जो रिलीजियस टीचर्स गुरु होते थे, धर्म गुरु, उनके साथ रिलीजियस डिस्कशंस करते थे। 1579 में अकबर ने महजरनामा इश्यू करवाया। महजरनामा वाज ड्राफ्टेड बाय शेख मुबारक। अभी तक इस्लाम में कोई भी डिसीजन, अगर कोई कंट्रोवर्सी होती थी, कोई इंटरप्रिटेशन की बात होती थी कुरान के, तो सुप्रीम अथॉरिटी उलेमाज के पास थी जो धर्म गुरु होते थे, लेकिन अकबर ने महजरनामा से वो अथॉरिटी उनकी खत्म कर दी और सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली। 1582 में अकबर लॉन्च्ड अ न्यू रिलीजन दीन ए इलाही। उन्होंने दीन ए इलाही लॉन्च किया। ये रिलीजन डिवाइन मोनोथीज़म इसको कहते थे इंग्लिश में। इसका प्रॉपर मोटिव जो था वो एकेश्वरवाद को प्रचार प्रसार करना था, वाज टू प्रोपगेट मोनोथीज़म। दीन ए इलाही अकबर ने किसी के ऊपर ऐसे फोर्स नहीं करा है कि आप इसको अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे। अबुल फजल, फैजी, बीरबल, ऐसे लोगों ने, कई नोबल्स ने उनके दीन इलाही को अडॉप्ट कर लिया, जबकि बाकी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो अकबर ने किसी पर फोर्स नहीं किया कि आप इसे अडॉप्ट करो ही करो। इस वजह से शायद दीन इलाही बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। अकबर के कोर्ट में उनके नवरत्न भी थे, उनके नाम हम लोग ध्यान में कर लेंगे। अबुल फजल जो हिस्टोरियन थे, कोर्ट पोएट थे अकबर के। नंबर टू फैजी, ये भी एक स्कॉलर थे और एक हिस्टोरियन थे अकबर के, अबुल फजल के भाई फैजी। राजा टोडरमल, अकबर के वजीर, जितना भी रेवेन्यू सिस्टम अकबर ने देश को दिया वो सब राजा टोडरमल का काम था। राजा मान सिंह, अकबर के आर्मी जनरल। राजा बीरबल, अकबर के आर्मी जनरल और उनके फ्रेंड, उनका असल नाम महेश दास था। संगीत सम्राट मियां तानसेन, म्यूजिशियन। अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर के आर्मी जनरल और एक पोइट। मुल्ला दो प्याजा, अकबर के मिनिस्टर। और हमीम हुमाम, ये अकबर के फ्रेंड थे और अकबर का जो कॉलेज उन्होंने आगरा में बनाया था, शाही पाठशाला, उसके हेड थे। तो ये अकबर के नवरत्न है। इसके साथ अकबर की इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। 1561 में मालवा, बाज बहादुर वॉज डिफीटेड।
1562 में जयपुर आमेर आमेर के राजा कछवाहा राजपूत थे। कछवाहा राजपूत राजा भारमल ने अपनी बेटी जोधाबाई की शादी अकबर के साथ कर दी और अकबर ने उनका नाम बदल करके मरियम उज जमानी रख दिया। तो अकबर वहां से अजमेर जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और जब वापस आते हैं तो वह अपने साथ राजा भारमल, उनके बेटे राजा भगवान दास और उनके साथ उनके बेटे राजा मानसिंह, इन तीनों को लेकर के वो अपने कोर्ट में आ जाते हैं। तो अकबर की राजपूत पॉलिसी की शुरुआत 1562 में होती है। 1567 में चित्तौड़ एक्सपीडिशन है, राणा उदय सिंह किला छोड़ करके पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और जयमल और फतेह सिंह ये दोनों गेव अ टफ रेजिस्टेंस टू मुगल आर्मी बट वर डिफीटेड एंड चित्तौड़ आल्सो फेल डाउन टू द मुगल्स। चित्तौड़ भी हाथ से निकल जाएगा। 1572-73 में गुजरात एक्सपीडिशन, अकबर ने गुजरात कॉन्कर करने को मार्क करने के लिए ही बिल्ड द बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था, तो ही बिल्ड द बुलंद दरवाजा टू कमेमोरेट हिज गुजरात विक्ट्री। फिर 1576 में 18 जून को बैटल ऑफ हल्दीघाटी, अकबर की जो मुगल फोर्सेस थी दे वर लेड बाय आसफ खान एंड राजा मानसिंह, और इन दोनों ने महाराणा प्रताप को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। राणा प्रताप जो है उनकी हार हो जाएगी और वो वहीं उसके बाद वो जंगलों में रहेंगे। 1597 में उनकी डेथ होती है। अकबर की जो लास्ट एक्सपीडिशन था वो 1601 में वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फोर्ट ऑफ असीरगढ़। असीरगढ़ खानदेश में है, मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट में, और इसके बाद अकबर वापस आ जाते हैं। उनकी तबीयत जो है उसके बाद ठीक नहीं रहेगी। तो ये अकबर की कुछ इंपॉर्टेंट इम्पीरियल कॉन्क्वेस्ट थी। बहुत सारी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं अपनी लाइफ पे। इसके बाद हम लोग को अकबर का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ और जगहों पर भी देखना है। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और इसका मतलब लिटरली वॉज अ रैंक। मनसब वॉज अ रैंक, अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक। और मुगल मनसब वॉज डुअल इन नेचर, ये दो तरह से रैंक बताता था। एक जात जो पर्सनल रैंक होता था, किसी भी मनसबदार का रैंक उससे स्टेटस पता चलता था, और दूसरा होता था सवार, ये उसका कैवलरी रैंक था। इससे पता चलता था कि वो कितने सवार मेंटेन करता था। मनसबदारी सिस्टम वॉज गिवन बाय अकबर। इसके अलावा मनसबदार जो होते थे वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, सिविल एंड मिलिट्री दोनों में। दस से अबुल फजल ने लिखा है कि दस से लेकर के 10,000 तक के रैंक वाले मनसबदार अकबर के टाइम पर होते थे। अकबर के टाइम पर 1803 मनसबदार थे, और ये नंबर औरंगजेब के टाइम पर पहुंच जाएगा 14,449। औरंगजेब के टाइम पर इतने मनसबदार हो जाएंगे। मनसबदारी सिस्टम के अलावा अकबर ने रेवेन्यू में भी कई रिफॉर्म्स लेकर के आए रेवेन्यू में, और उसमें एक था आईने दहसाला। हर साल रेवेन्यू असेसमेंट करने, क्रॉप रेट फिक्स करने के सिस्टम को अकबर ने खत्म कर दिया, और आईने दहसाला का मतलब 10 साल से था। तो ये पिछले 10 साल की रेवेन्यू रसीद जो होती थी उनका एवरेज निकाल करके और फिर 11वें साल अप्लाई कर देते थे। ये पॉपुलर होगा बाय द नेम ऑफ आईने दहसाला। इसके अलावा अकबर ने जो मुगल पीरियड में क्लासिफिकेशन
ऑफ लैंड को भी हमें यहीं पर देख लेंगे. पोलज ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड थी. इसके बाद होती थी परौती. परौती वो जमीन थी जिस पर एक साल खेती के बाद उसे खाली छोड़ना होता था, एक साल. तीसरी होती थी चाचर. चाचर में वो जमीन, चाचर वो जमीन थी जो एक बारी खेती करने के बाद अपनी फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए 3 से 4 साल लेती थी. और फिर उसके बाद होता था बंजर, वो जमीन जो अपनी फर्टिलिटी रिगेन करने में 5 साल या उससे ज्यादा लगाए वो बंजर की कैटेगरी में आ जाती थी. तो ये 4 तरह की जमीनें. और उनके अलावा तनब, तनब मेड अप ऑफ बैम्बू स्टिक्स जॉइन बाय आयरन रिंग्स. ये तनब वॉज यूज बाय द मुगल्स टू फॉर द मेजरमेंट ऑफ कल्टीवेबल लैंड. जो जो खेती की जमीन थी उसकी नपाई के लिए तनब का इस्तेमाल मुगल्स ने किया है. इसके अलावा अकबर का कंट्रीब्यूशन उनके कई सारी फील्ड्स में था. उन्होंने पेंटिंग के फील्ड में, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के रियल फाउंडर माने जाते हैं. आर्किटेक्चर में बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन के फील्ड में भी है. अकबर की डेथ हो जाती है और उनके बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के टाइटल में थ्रोन पर आते हैं 1605 to 1627. और आने के एकदम बाद वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए 12 ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. लेकिन इसके बाद जब उनका राज की शुरुआत होती है 1606 में, जो राजकुमार शहजादे खुसरो थे वो आगरा में रिवोल्ट कर देते हैं और लाहौर की तरफ कूच करते हैं. रास्ते में तरन तारन में सिख गुरु अर्जुन देव उनको मिलते हैं और सिख गुरु से वो पैसे लेकर के एक फौज रेज करते हैं, एक आर्मी रेज करेंगे और लाहौर पर अटैक करते हैं. लेकिन ये खबर छुपने वाली नहीं थी. आगरा में जहांगीर को ये पता चल जाता है और वो अपनी फौज रवाना कर देते हैं. उधर लाहौर का किला के दरवाजे भी नहीं खुलते हैं और पीछे से फौज आ जाती है. तो फाइनली खुसरो की डिफीट हो जाती है और उसको पकड़ करके लाते जहांगीर के पास, जहां वहां दिल्ली में चांदनी चौक पर उनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको मार दिया जाता है और खुसरो को ग्वालियर के किले में कैद कर देते हैं, जहां पर ऐसा मानते हैं कि खुर्रम जो बाद में चलकर के शाहजहां बनेंगे 1621-22 में, उनके ऑर्डर्स पर खुसरो का मर्डर हो जाता है. इसके अलावा कोर्ट में बुलाया जाता है समन देख करके गुरु अर्जुन देव को भी. और गुरु अर्जुन देव पर चार्जेस थे कि उन्होंने एक जो विद्रोही शहजादे थे खुसरो उनका, उनको सपोर्ट किया था, उनको पैसे दिए थे. जहांगीर गुरु अर्जुन देव को ऑर्डर करता है कि आप 2 लाख रुपए कंपेंसेशन पे करो, लेकिन गुरुजी वो कंपेंसेशन पे नहीं करते हैं और फाइनली इस रिफ्यूजल पर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. तो गुरु अर्जुन देव का एग्जीक्यूशन होगा और यहीं से शुरुआत होती है ऑफ द सिख ऑपोजिशन टू द मुगल रूल. मुगलों के खिलाफ हो जाएंगे सिख और लगातार रहेंगे. जहांगीर की लाइफ में इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है वो उनकी बेगम नूरजहां का है. नूरजहां एक पर्शियन डिप्लोमेट थे जिनका नाम था मिर्जा ग्यास बेग. मिर्जा ग्यास बेग की बेटी थी नूरजहां. उनके फादर मिर्जा ग्यास बेग, उनकी मदर का नाम था असमत बेगम और उनके भाई थे आसफ खान. नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था एंड शी वॉज मैरिड टू अली कुली बेग. ये मिर्जा ग्यास बेग एक शिया थे और वो पर्शिया से आए थे. उन्होंने अपनी बेटी मेहरुन्निसा की शादी एक पठान अली कुली बेग के साथ कर दी जो मुगल सर्विस में ही थे. 1607 में अली कुली बेग वॉज मर्डर्ड बाय रॉयल सोल्जर्स. तो सिपाही लोग उनको बुलाने पहुंचते हैं और आपस में उनकी लड़ाई होती है, उसमें अली कुली बेग का मर्डर हो जाता है. मेहरुन्निसा
और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था लाडली बेगम. ये दोनों वर ब्रॉट टू दिल्ली एंड हैंडेड ओवर टू क्वीन सुल्तान सलीमा बेगम. 1611 में जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा. वो मेहरुनिसा से शादी कर लेते हैं और उनको पहले नूर महल का टाइटल देते हैं और बाद में नूर जहां का. तो नूर जहां इसके बाद 1611 से लेकर के 1627 तक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वाज टोटली डोमिनेटेड बाय नूर जहां. ये पूरी तरह से नूर जहां का शासन रहेगा. जहांगीर जो थे वो ज्यादातर नशे में ही रहते थे. नूर जहां की जो बेटी थी लाडली बेगम वाज मैरिड टू प्रिंस शहरयार वाइल प्रिंस खुर्रम. खुर्रम वो है जो आगे चल करके शाहजहां बनने आए. शाहजहां वॉज मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम. अर्जुमंद बानो बेगम से उनकी शादी होती है और यही पॉपुलर होंगी बाय द नेम ऑफ मुमताज महल. शी वॉज द डॉटर ऑफ आसफ खान. इस ये शादियों के बाद नूर जहां इसको शहरयार को प्रमोट करने लगती हैं एज द नेक्स्ट बादशाह. लेकिन 1626-27 में जहांगीर की तबीयत बिगड़ जाती है और हकीम उनको ये सजेशन देते हैं कि वो उनको हवा पानी बदलाने के लिए कश्मीर लेके जाए. नूर जहां जहांगीर को लेकर के कश्मीर चले जाती है जहां वापसी में उनकी डेथ हो जाती है. वो उनकी बॉडी लेकर के लाहौर चले जाएंगे और वहीं रहेंगी. उनका मकबरा वहीं बनेगा. आसफ खान दिल्ली में जितने भी पॉसिबल कंटेंडर्स थे सबको मार देते हैं और शाहजहां का इंतजार करेंगे. शाहजहां अगले साल 1628 के फरवरी में दिल्ली पहुंचेंगे और उनका कोरोनेशन होगा. इसके साथ साथ हम लोग को दो चीजें और भी ध्यान में रखनी है. जहांगीर के टाइम पर दो लोग इंडिया में आ रहे हैं. नंबर वन कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड नंबर टू सर थॉमस रो. कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो इंडिया में आते हैं. सर थॉमस रो कंक्लूडेड अ कमर्शियल ट्रीटी विद द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कमर्शियल ट्रीटी साइन करेंगे जहांगीर के साथ, जबकि कैप्टन विलियम हॉकिंस इस काम में फेल हो जाते हैं. तो ये ब्रिटिशर से दोनों जो इंडिया आए हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर. इस स्लाइड में इतना ही. हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इससे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.